ये वायरल तस्वीरें हैं मेरठ की, जहां जमकर बवाल हुआ, जहां पुलिस पर घर में घुसकर शराब के नशे में अवैध वसूली के आरोप लगे। आरोप लगे कि शराब के नशे में पुलिस वाले ने एक शख्स की पिटाई कर दी। आरोप लगे कि घर में घुसकर पिस्टल तान दी गई, जिसके बाद तो मानो कोहराम मच गया। इस वीडियो में सुना जा सकता है कि एक शख्स पुलिस पर पिटाई का आरोप लगा रहा है। ये शख्स पुलिस वाले के शराब पिए होने का दावा भी करता सुनाई दे रहा है। तो वहीं इसी वीडियो में दोनों पुलिस वाले की वर्दी पर नेम प्लेट ना होने पर सवाल भी उठाया जाता है। आरोप लगाए जाते हैं कि घर की महिलाओं से अभद्रता की गई। दरअसल मामला मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां आरोप है कि शनिवार रात को गांव गोविंदपुरी में दो दारोगा पहुंचे और युवक पर अवैध पटाखे बेचने का आरोप लगाया, उससे पैसे मांगने लगे। इसी के बाद कहां सुनी होगी। आरोप है कि एक दारोगा ने युवक को पीट दिया, जिसके बाद लोग भड़क गए और दोनों दारोगाओं को बंधक बना लिया। दोनों दारोगाओं की पहचान सतेंद्र और अंडर ट्रेनी शिवम के तौर पर हुई है। मारपीट और हंगामे की खबर पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे और दारोगा को बंधक बनाने की खबर कंट्रोल रूम तक पहुंची, तो तीन थानों की पुलिस पहुंच गई अपने इन दारोगाओं को छुड़ाने। जैसे तैसे इनको वहां से मुक्त करवाया गया। दोनों दारोगाओं पर पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जैसे तैसे ग्रामीणों के गुस्से को शांत करवाया। गांव के लोगों का आरोप है कि वहां पर इन दारोगाओं ने पिस्टल तानने की भी कोशिश की। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें हंगामा पूरी तरीके से देखा जा सकता है। यूपी तक ने इन वीडियोस को लेकर मेरठ के एसपी देहात राकेश कुमार से जब बात की, तो उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक अवैध पटाखे बेचने की शिकायत आई थी, जिसके बाद दारोगा वहां चेकिंग के लिए गए थे। वहां उनकी कहासुनी हो गई और हंगामा शुरू हो गया। सूचना पर सीओ और बाकी पुलिस वाले भी वहां पर भेजे गए। इसके बाद ग्रामीणों को शांत करवा दिया गया था। इस मामले में जांच की जा रही है, दोनों पक्षों को सुना जा रहा है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये था पुलिस का स्टेटमेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर इन दोनों दारोगाओं की वर्दी पर नेम प्लेट क्यों नहीं थी, ये सवाल बड़ा है। दूसरा सवाल कि घर में घुसकर इस तरह की मारपीट की नौबत कैसे आ गई। तीसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये शख्स यहाँ पर मारपीट का आरोप लगा रहा था, तो ये दारोगा अपना बचाव कैसे कर रहे थे। क्या वाकई में ये शराब पिए हुए थे। इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी भाषा को सुनकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।